हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्क सर्वाइवल। आप देख सकते हो ये मेरा कुकिंग पॉट है और एक रेसिपी बनाने वाला हूँ। तो रेसिपी है टीडर बर्ड एग किबल रेसिपी। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले सब कुछ ले लेता हूँ अपने पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुकिंग पॉट पर फ्यूल, टीडर बर्ड एग, और इसके साथ चाहिए हमको सिट्रोनल, कुकमीट जर्की, कुकमीट, मेजोबेरी थोड़ा सा फ्रीजर पे चेक कर लूँ पहले। अरे यहाँ पे तो मेजोबेरी नहीं है, बस यू गया और यू आया। तो मेजोबेरी मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेजोबेरी रख दिया है और चाहिए फाइबर एंड वाटर। तो रेसिपी आप लोग अच्छी तरीके से देख लो क्या क्या चाहिए आपको इंग्रेडिएंट्स। और एक्चुअली आज हम ओनली राइनो टेम करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए हम किबल बना रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा टीडर बर्ड एक किबल बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से मैंने 7 किबल बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं। तो हमको ब्लू ऑब्लिक के साइड पर जाना पड़ेगा, मतलब आइस वाले जगह पर। वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ क्योंकि राइनो यहाँ पर रहता है। यहाँ पर मतलब ये जो बर्फ इलाका है आइसलैंड, यहाँ पर ही ज़्यादातर राइनो रहता है। तो आने के टाइम पर तो नाइट हो चुका था दोस्तों, तो हमने थोड़ा सा स्टे किया। और अभी आप देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मुझे एक राइनो मिल गया है 280 लेवल वाला। तो अच्छा बात है क्योंकि इससे बेटर मुझे अभी तक नहीं मिला है। 20, 50, 15, 70 ये ऐसा ही मिल रहा था। तो मेरा लक अच्छा है क्योंकि मुझे 280 लेवल मिल चुका है। और अभी थोड़ा सा पहले ये प्लेस देख लो अच्छी तरीके से। अरे यहाँ पर तो सेबर टूथ भी है, तो जगह पहले क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक्सीडेंट पर खतरा ही खतरा रहता है। तो ये रेक्स भी दिख गया है, ये भी टेमिंग के टाइम पर थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा साइड कर लेते हैं क्योंकि ये प्लेस अगर क्लियर हो तो टेमिंग में कोई भी मुश्किल नहीं आता है और आप लोग इजीली टेम कर पाते हो। तो इसलिए मैंने पहले जगह क्लियर किया है, मतलब प्लेस को क्लियर कर लिया है। अभी थोड़ा सा चेक कर लूँ। प्लेस क्लियर हो चुका है और अभी हम यहाँ पर ट्रैप भी लगाएंगे। पहले देख लेते हैं। हाँ, फाइनली सब कुछ क्लियर हो चुका है दोस्तों। अभी ट्रैप लगाने के लिए आपको जगह चुनना है, आप कौन से जगह पर ट्रैप लगाओगे। क्योंकि स्टोन फाउंडेशन और स्टोन गेट फ्रेम में लाया हूँ ट्रैप के लिए, और जगह आपको अच्छा जगह चुनना चाहिए ताकि आप ट्रैप में डायनोस को बुला सको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ट्रैप तो रेडी है। तो अभी लगाने का काम है क्योंकि यहाँ पर उबड़ खाबड़ जगह है, थोड़ा सा लगेगा कि नहीं वो भी पता नहीं, पहले थोड़ा सा ट्राई कर लेते। अगर नहीं लगा तो दूसरे जगह पर ट्राई करेंगे। तो ये हमारा पहला, अरे स्टोन फाउंडेशन यहाँ पर नहीं लग जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे हम ट्राई करेंगे। हाँ, यहाँ पर ट्राई करेंगे, देखे हाँ यहाँ पर लग रहा है। तो मैं 4 फाउंडेशन यूज़ करूँगा और इसके साथ स्टोन गेट फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। बस
एक स्टेप ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। और चाहिए हमको इस स्टेप के लिए ये वुडन रैंप। तो हमारा तो ट्रैप बन के रेडी हो चुका है और अभी काम है बस राइनो को यहाँ पर बुला के लाना और ट्रैप में डालना। तो पहले ये पैर थोड़ा हटा लो, हाँ, क्योंकि ट्रैप लगा कर आपको रास्ते का पता होना चाहिए, मतलब आपका किधर से इसको बुला के लाओगे। तो यही मैं देख रहा हूँ, तो इस पेड़ को भी हटा दिया। तो चलिए, हमारा राइनो अपने हमारे पास ही है और बाय द वे ये कुछ नहीं कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा एग्रो कराएंगे, उसके बाद हमारे पीछे पीछे ये आएगा और हम ट्रैप में इसको डालने की प्रयास करेंगे। तो ये हमारे पीछे है और फाइनली ये ट्रैप में आ चुका है। ओ, लेकिन ये राइनो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 20 लेवल वाला। अगर टेमिंग प्रोसेस शुरू करो तो ये लफड़ा, थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है, तो इसलिए इसको भी हम थोड़ा सा रास्ते से हटा देते हैं, मतलब साइड कर लेते हैं, जगह को क्लियर कर लेते हैं। तो पूरा जगह भी क्लियर है, अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये अजेंटाविज, वुल्फ, सेबरटूथ, रैक्स, ये सब कुछ यहाँ पर स्पॉन लेता रहता है। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर गीगा भी, मतलब यानी इससे ऊपर वाले जगह पर गीगा भी स्पॉन लेता है, तो थोड़ा सा रिक्स हो रहा है, बट कोई बात नहीं। चलिए, हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको सावधानी बरत के अपना ट्रेनिंग प्रोसेस करना है। और मैं एक्चुअली ये केबल से ट्रेन कर रहा हूँ दोस्तों, ये नॉक हो चुका है, तो अभी हम इसको केबल देंगे। और हमारे साथ एक्चुअली ये नार्कोटिक और बायोटेक्सिन में कुछ भी नहीं लाया हूँ, मैं तो केबल के भरोसे आ गया हूँ। और आ गया हूँ मतलब क्या, मैं भूल चुका हूँ दोस्तों, ये नार्कोटिक और बायोटेक्सिन कुछ भी नहीं है। तो चलिए, पहले हम इसको एक माइनर स्मूथिंग बाम देते हैं। ये एक माइनर स्मूथिंग बाम 10 एम्बर्स से हमने परचेस कर लिया है, और इसके साथ देंगे इसको टीजर बड, एक किबल। तो अभी इसको फूड देने का टाइम आ चुका है दोस्तों, तो ये माइनस पुतिंग बा मैंने दे दिया है और साथ में किबल। और आप देख सकते हो यहाँ पर किबल से टेमिंग करने पर ये देख सकते हो 15.6%। तो काउंटिंग के हिसाब से दोस्तों, हमारा जो 7 किबल है वो लग जाएगा, मतलब 7 किबल से हमारा ये राइनो टेम हो जाएगा। और ये टेम हो चुका है दोस्तों, मुझे इसको टेम करने में 20 मिनट लग चुका है मेरे घरे के हिसाब से। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो पर, बाय दोस्तों।